क्या हुआ? आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? आपको नहीं देख रहा कि क्या हुआ? पेशेंट यहाँ पे पड़ी हुई है, उसको कुछ हो जाता तो। कल एक्सीडेंट हुआ है उसका, अभी तक उसको होश नहीं है, और आप लोग बोल रहे हैं मैं चिल्ला क्यों रहा हूँ? उसको कुछ हो जाता तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता? हाउ कैन यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल? आप लोग इतने केयरलेस हो कैसे सकते? हम हमारी ड्यूटी। क्या ड्यूटी कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पे खड़े होकर आप अपनी गलती को जस्टिफाई कर रहे हो और आप बोल रहे ड्यूटी कर रही है। अब जाके डॉक्टर को बुलाइए, डॉक्टर को बुलाइए, और आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबकी कंप्लेंट करूंगा। कॉल द डॉक्टर, कॉल द डॉक्टर नाउ। क्या हुआ पुत्र, क्यों डांट रहे हैं इस बेचारी को? जी देखिए ना, ये लोग मुझे बोल रहे हैं मैं चिल्ला के रहा हूँ। बुलबुल यहाँ पे अकेली लेटी है, उसको कुछ हो जाता तो। ना पुत्र ना, ये बड़ी देर से यहाँ पर थी, इसको वॉशरूम जाना था तो मैंने इसको भेजा था, ये अभी अभी गई थी। मैं कब से इन्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये कि मेरी बात सुन ही नहीं रहे। सॉरी। आप जाइए मित्र जी, मैं जानती हूँ कि आप बुलबुल को बहुत प्यार करते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको प्यार नहीं करते। हम भी उसके लिए उतने ही फिक्रमंद है जितने आप हैं। मेरी गोद में ये पलकर बड़ी हुई है, इसका ख्याल रखने के लिए तो मैं हर वक्त इसके साथ हूँ। रब पर भरोसा रखें, अपनी बुलबुल जल्दी ही चंगी हो जानी है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। मान लिया ना आप लोगों ने कि सब मैंने किया है, ठीक है? फिर जब आप लोगों ने मान ही लिया है तो मैं भी ये मान लेती हूँ ये मैंने किया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सब मैंने क्यों किया। ये सब मैंने पैसों के लिए किया, पैसों की भूखी हूं मैं। अब ये जो प्यार अपनापन ये सब का नाटक करती रहती है, आपको क्या लगा इससे मेरी जिंदगी चल जाएगी? सब नहीं चाहिए मुझे, क्या करूंगी मैं इनका? पैसे चाहिए मुझे, पैसे। हाँ, बॉयफ्रेंड है मेरा, एक नहीं 5 बॉयफ्रेंड है। हर एक बॉयफ्रेंड पैसे देता है ना, तो जितने ज्यादा बॉयफ्रेंड उतने ज्यादा पैसे। क्या करूं, आप लोग तो पैसे नहीं दे रहे थे, किसी ना किसी से तो मांगने पड़ेंगे ना। अब और आप दोनों तो बहुत खुश हो रहे होंगे अभी, है ना? आप तो यही चाहते थे कि मैं अपने मुंह से ये मान लूं कि ये सब मैंने किया है। आज ध्यान से सुन लीजिए कि ये सब मैंने किया है। पर एक्चुअली ना, मुझे ये सब बहुत पहले कर देना चाहिए था। जानते क्यों? मेरी सच्चाई तो सामने आ ही जाती, साथ साथ आप दोनों का असली चेहरा भी आ जाता था। अब आप सोच रही होंगी कि मैंने बुलबुल की किडनैपिंग कुछ पैसों के लिए करवाई, तो क्यों करवाई? तो सुनिए, आप हमेशा बोलती है ना कि मुझ में और बुलबुल में आप कोई फर्क नहीं करती हैं, सिर्फ नाम का ही फर्क है ना? फर्क है मेरी नजरों में, क्योंकि जलती हूँ मैं बुलबुल से। आपको पता है, ये जो दो चीजें है ना, प्यार और पैसा, यही सिर्फ ऐसी दोनों चीजें हैं जो जिसको मिलता है ना उसी को समझ आता है कि उसे कितना मिल रहा है। पैसे का तो पता नहीं, पर प्यार तो आप बहुत अच्छा देती है। अरे इन्होंने मुझे भी भरोसा दिला दिया कई बार तो कि आप अपनी दोनों सगी बेटियों से ज्यादा प्यार करती है मुझे। आप भी सोचिए कि कोई अपनी दोनों सगी बेटियों को छोड़कर एक नौकरानी की बेटी से क्यों प्यार करेगा? मैं बताती हूँ, ये क्या है ना, ये जो गरीब लोग होते हैं ना हम जैसे, पैसे के अलावा इन्हें क्या चाहिए होता है? प्यार। जब आप जैसी फैमिली यहाँ है, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना अपनापन दिया, तो इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया ना मुझे। ये सब कुछ क्या हो रहा है? I mean, वो नील क्या कर रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने हम से किसी का भी नाम नहीं लिया, और हमारा नाम नहीं लिया तो नहीं लिया, पर उसने पूर्वी का नाम ले लिया। I mean, नील को पूर्वी से क्या प्रॉब्लम है? वो हमें क्यों बचाना चाहता है? और ये यहाँ मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और तुम इतने रिलैक्स हो। एक मिनट, तुम ये सब कुछ जानती थी? नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानती। एक्चुअली इस कॉर्पोरेटर ने वही कहा जो मैंने उसे कहा। वो तुम्हारी बात क्यों मानेगा? I mean, उसे तो इतना अच्छा मौका मिला था तुम्हें तुम्हारी फैमिली के सामने एक्सपोज करने का, फिर वो तुम्हारी बात क्यों मानेगा? I mean, क्या रीजन है? क्योंकि वो बेवकूफ, he is an emotional fool, और मैंने उसी चीज का फायदा उठाया। You know how I am, Tarnu, don't you? बस, और क्या, सिंपल था। अच्छा ठीक है, तुम्हें बताती हूँ सब कुछ। जानती हूँ, कल रात को मैं पुलिस स्टेशन गई थी। अब यहाँ क्या करने आई हो? मुझ पे हंसने, मेरा मजाक उड़ाने? नहीं, तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम कितने बड़े बेवकूफ। वो तुम्हें तभी समझ गया था जब मैंने तुम जैसे बेवकूफों के साथ डील किया था। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने, तुमसे मदद मांग के। तुम्हारी यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मिस्टर नील ठाकुर। बस अपना टेप हर जगह शुरू कर देते हो। वो ऐसा है, ये ऐसा है, ब्ला 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 ब्ला। ओह माय गॉड, तुम ये भूल जाते हो कि तुम क्या हो। मैं तुम्हें बताऊं तुम कैसे हो? क्रेजी। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने आई थी तो तुम एकदम गलत हो, क्योंकि मैं तुम्हारी बकवास बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि बुलबुल का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उसने जानबूझकर तुम्हारी गाड़ी को टक्कर मारी थी, वो भी बार बार, जब तक तुम पुलिस से पकड़े नहीं गए। जानते हो आज उसकी मेहंदी थी, और अपने हाथ में मेहंदी देखने की बजाय वो तुम्हारे हाथ में हथकड़ी देखना चाहती थी। अपनी खुशी से पहले उसने तुम्हें पकड़वाना ज्यादा जरूरी समझा, और ये उसका प्यार नहीं, नफरत करती है वो तुमसे। साफ साफ पता चलता है कि कितनी नफरत करती है वो तुमसे, और इसीलिए तुम्हें पकड़वाना चाहती थी। पर मैं तुम्हें सब कुछ क्यों समझा रही हूँ? तुम तो इस जेल में 10-20 साल, आई डोंट नो और कितने साल सड़ने वाले हो, और तब तक बुलबुल पूरब के साथ शादी कर चुकी होगी और अपनी शादीशुदा जिंदगी एंजॉय कर रही होगी, हैप्पीली मैरिड। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ओ रियली? क्या प्लान है तुम्हारा मिस्टर जीनियस? इस जेल में से कोई ब्रह्मास्त्र छोड़ोगे जिसकी वजह से तुम ये जेल तोड़कर बाहर भाग जाओगे? हाँ, मैं अपने आदमियों को भेजकर सब मरवा दूंगा। वो अगर मेरी नहीं ना तो किसी की भी नहीं होगी। अब मेरे प्यार की कीमत वो अपनी मौत से चुकाएगी। तुम्हारे सारे आदमी पकड़े जा चुके हैं, और जिस हॉस्पिटल में बुलबुल है वहाँ कोई भी नहीं जा सकता। हेलो हेलो पूरब, कहाँ हो तुम? मैं हॉस्पिटल में हूँ बुलबुल के साथ, और कहाँ होगा? पूरब, मुझसे तुम्हारी ये हालत बिल्कुल भी नहीं देखी जाती है। तुम जानते हो, ऐसी हालत में देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। हम सब चाहते हैं कि बुलबुल जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। आई थिंक यू नीड सम फ्रेश एयर, बाहर निकलो, लोगों से मिलो, यू विल फील गुड। व्हाई डोंट यू डू दैट? मैं आऊँ तुम्हें पिक करने? आने, अगर मैं यहाँ से चला गया तो बुलबुल का ध्यान कौन रखेगा, उसकी केयर कौन करेगा? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। I have to be here, I have to look after. Sweetheart, why don't you understand कि बुलबुल भी तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहती। सोचो वो तुम्हें ऐसे देखेगी, थका हुआ, हारा हुआ, और उसे कितना बुरा लगेगा। I'm sure बुलबुल भी तुम्हें हंसते हुए देखना चाहती है पूरा। तो तुम्हें वही करना चाहिए ना जो उसको जो खुशी पहुँचाए। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे खुश देखे, पर ऐसी हालत में मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? बुलबुल हॉस्पिटल में है, वो अपने सेंसेस में नहीं है, उसको होश नहीं है, और तुम कह रही हो मैं खुश। इस वक्त मेरे पास कोई वजह नहीं है स्माइल करने की, खुश रहने की, या बाहर जाने की, कुछ भी करने की। I just don't have any inspiration. Find that inspiration. Come on. कुछ ऐसा करो जो तुम्हें खुशी दे, कुछ ऐसा जो बुलबुल को दे, भाई को दे, और मुझे खुशी दे। आलिया, मुझे जो करना होगा मैं वो करूँगा। Just leave me alone, please. क्या हुआ? काट दिया, और क्या? कुछ ऐसा करो जो तुम्हें खुशी दे, कुछ ऐसा जो बुलबुल को दे, भाई को दे, और मुझे खुशी दे। बुलबुल, जब तक तुम होश में नहीं आ जाती ना, अब मैं पूरी कोशिश करूंगा अभी और प्रगति को पास लाने की, को एक करने की, उन दोनों को उनकी फीलिंग्स रियलाइज करवाने की। क्या पता जब तुम होश में हो तो सबसे पहली खुशखबरी मैं तुम्हें यही दूं कि उन दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।